सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्री फायर से रिलेटेड काफी सारे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। सो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। सो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए। सो बिना टाइम यूज के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, हमारा सबसे पहला न्यूज है पहाड़ी गेमिंग के बारे में। पहाड़ी गेमिंग ने कल एक टूर्नामेंट खेला था जिसका नाम था स्ट्रीमर संगम टूर्नामेंट। सो इस टूर्नामेंट का जो प्राइस पूल था वो था अपाचे 160R बाइक। सो जो बाइक है पहाड़ी गेमिंग के चारों बंदे को मिल चुके हैं। सो इसके ऊपर रिएक्शन देते हुए पहाड़ी गेमिंग ने क्या कहा, उनका एक छोटा सा क्लिप आप देख लीजिए। मेरा सीने पर आ गया था लिटरली। मेरा खुद तो ट्रैश का गेम देखेगा ना तो भाई, मां कसम मेरे, देख सुन, मेरे टीममेट ने एक गलत कॉल दी कि ऊपर चढ़ जाओ नहीं तो ये लास्ट मैच हम तेरे को आके मारते वहां। देव आलन के बारे में, और गाइस आप सबको नहीं पता देव आलन कौन है तो मैं आपको बता देता हूँ। यूट्यूबर है जिनके अभी 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है और वो वन हैंड प्लेयर है, वो एक हाथ से खेलते हैं। सो गाइस, उनको यूट्यूब की तरफ से एक गोल्डन प्ले बटन मिला है 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए। सो गाइस, इसके ऊपर रिएक्शन देते हैं उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो पोस्ट किया। सो गाइस, ये फोटो आप देख लीजिए। देव भाई ने यहाँ पर लिखा है वीडियो सुन गोल्डन प्ले बटन। सो गाइस, एक स्पेशल वीडियो आने वाला है देव भाई की तरफ से। सो कब आएगा पता नहीं, लेकिन हम उस वीडियो को वेट करेंगे। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। हमारी नेक्स्ट स्टोरी है टीएसजी के बारे में। जी हाँ गाइस, एक यूट्यूबर रैपर रवि नाम का यूट्यूबर ने टीएसजी के ऊपर रैप सॉन्ग बनाया। सो गाइस, उनका छोटा सा क्लिप आप देख लीजिए। TSG का फुल फॉर्म टू साइड गेमर्स ब्रो, रितिक और जेस कौन टू साइड गेमर्स ब्रो, मुंबई के लौंडे कौन टू साइड गेमर्स ब्रो, 7 मिलियन पे बैठा कौन टू साइड गेमर्स ब्रो। सो गाइस, कॉपीराइट इशू की वजह से मैं इस वीडियो को अपने चैनल पर फुल अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। यदि आपको इसको देखना है तो इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां जाकर भी आप देख सकते हो। इस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देते हुए टू साइड गेमर्स ने इस वीडियो के नीचे कॉमेंट किया, जहाँ पर उन्होंने कहा जो कहते हैं हमें टीएसजी पसंद नहीं उनका दिल खोल के देखो, टीएसजी दिखते हैं जरूर हैं, लाइंस वर्क ऑफ योर वर्क। यहाँ पर उन टीएसजी ने उनको कमेंट किया है। सो गाइज, आप बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। गाइज, इन दिनों एक मीम्स बहुत वायरल हो रहा है जिसका नाम है श्वेता मीम्स। सो गाइज, इस मीम्स के ऊपर रिएक्शन देते हुए देसी गेमर ने क्या कहा गाइज, उनका छोटा सा क्लिप आप देख लीजिए। गाइज, श्वेता इज अ मीम, ठीक है, विनोद का तो कोई लॉजिक नहीं था, बट श्वेता इज अ लेजेंडरी मीम, ट्विटर यूजर में ट्रेंडिंग नंबर 1 पे चल रहा है। एंड मैं बाद में समझाऊंगा, वो थोड़ा 18 प्लस है। तो श्वेता साहब से गाइस, कल परसों से फेसबुक सोशल मीडिया सब जगह वायरल हो जाएगी, आज सिर्फ ट्विटर में वायरल हो रहा है। सो जिनको इस मीम्स के बारे में नहीं पता उसको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा, वहाँ पर एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर जाके आप इस मीम के बारे में जान सकते हो। गाइस जल्दी जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो लिंक मिल जाएगा। आज का हमारा नेक्स्ट स्टोरी है अमित भाई के बारे में। गाइस, आप सबको पता होगा अमित भड़ाना का एक नया सॉन्ग आया जिसका नाम है आत्मविश्वास। सो गाइस, इसके ऊपर रिएक्शन दिया है अमित भाई ने। सो उनका क्या रिएक्शन है आप देख लीजिए इस क्लिप पे। अमित भड़ाना का न्यू सॉन्ग, अरे ब्रो मैंने सुना गाइस, मैंने इंस्टाग्राम में स्टोरी भी डाला है, आत्मविश्वास। इफ्रान के नाम हमारे मेंबर्स पंजवानी, इफ्रान पंजवानी के नाम में भी गाइस हम लोग निकालते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है एंग्री प्रास के बारे में। एंग्री प्रास का एक गेमिंग चैनल है गाइस, आप सबको पता होगा, या नहीं पता तो बता देता हूँ गाइस। वो अपने गेमिंग चैनल पर GTA 5, पबजी, COD ये सब खेलते हैं, लेकिन फ्री फायर उन्होंने अभी तक नहीं खेला। और उन्होंने कल इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट की जहाँ पर वो फ्री फायर का कोबरा लेजेंडरी कस्टम आया उसको पहनते हैं। सो गाइस, आने वाले समय में वो फ्री फायर खेल सकते हैं। सो गाइस, उनका ये शॉर्ट वीडियो आप देख लीजिए। सो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है एस गेमिंग के बारे में। एस गेमिंग ने कल अपने लाइव स्ट्रीम पर बताया कि वो 3-4 दिन के लिए गांव जाने वाले हैं, जिसके वजह से वो लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनके चैनल पर लाइव होगा और वो लाइव करेंगे उनके दोस्त बकुल वाइटी। सो इसके बारे में उन्होंने और क्या कहा, उनका एक छोटा सा क्लिप आप देख लीजिए। यार मैंने कल या फिर परसों में मैं गाँव जा सकता हूँ, तो बकलोल भाई और ये सब लोग स्ट्रीम करेंगे मिलके, तो मैं नहीं रहूँगा, ठीक है, पहले बता देता हूँ। तो तुम लोग ये मत सोचना भाई चैनल हैक हो गया या फिर कुछ वो हो गया, ना, और ये मत लिखना कि भाई कल तो आपका चैनल हैक कर लूंगा मैं। अरे नहीं नहीं, मतलब इनको पता नहीं, तो किसी को सबको बता देता हूँ, तो बकलोल भाई और ये सब स्ट्रीम करेंगे 3-4 दिन के लिए, तो मैं गांव जा रहा हूँ तो इसलिए यार, ठीक है।
तो सह लेना थोड़ा, गिव अवे वगैरह करेंगे ये लोग तो बस ठीक है। ये मार रहा तो है भाई भाई भाई। जो सो गाइस आज मेरे पास इतना ही न्यूज़ था। आपको यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि फ्री फायर रिलेटेड न्यूज़ आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। हमारे चैनल पर अभी 3K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और मिलते हैं आपसे एक नई इंटरेस्टिंग न्यूज़ वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड टेक केयर।